नमस्ते सलाम, मैं हूँ गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं शो लेकर आई हूँ आपका और हम सब का फेवरेट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे सानिया मिर्जा के तलाक के बाद पहली बार वो पहुंची कपिल शर्मा के शो में। बेटी सुहाना खान की मूवी किंग में शाहरुख खान लगा रहे हैं 200 करोड़ और एक बार फिर से कौन बनेगा करोड़पति जल्द ही आने वाला है, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए डेट आ चुकी है जो मैं आपको बताऊंगी। ये सारी खबरें आपके बिजी शेड्यूल के कारण छूट जाती होंगी, तो डोंट वरी, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सब कुछ पता चलेगा, बस आप बैठ के देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का सफर। पूर्व भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा जल्द ही कपिल शर्मा के नए कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आने वाली है। इस बात की इन्फॉर्मेशन सानिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर करके दी है, जिसमें वो द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर पोज देकर फोटो खिंचवाती नजर आ रही हैं। वैसे सानिया अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक से दूर रखना ही पसंद करती हैं। जैसे कि आपको पता है कि सानिया और शोएब कुछ महीने पहले ही तलाक ले चुके हैं। सिर्फ 5 महीने डेट करने के बाद सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी रचा ली थी। साल 2018 में सानिया ने एक बेटे को भी जन्म दिया जिसका नाम इजहान मिर्जा मलिक है। फिलहाल वो दोनों साथ में रह रहे हैं और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे हैं, और कपिल शर्मा के शो में बहुत सारा कुछ खुलासा भी होगा। एक बार फिर से शाहरुख खान 2025 में सुजॉय घोष की डायरेक्टेड फिल्म किंग के साथ सिल्वर स्क्रीन पर शानदार वापसी करने के लिए तैयार है। पर इस फिल्म की खास बात यह है कि उनकी बेटी सुहाना खान भी इस फिल्म में उनके साथ दिखने वाली है। फिलहाल प्रोजेक्ट प्री प्रोडक्शन में है। प्रोडक्शन टीम का लक्ष्य शाहरुख की वापसी को यादगार बनाना है। तो वहीं हालिया अपडेट से पता चलता है कि 200 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म के लिए सुजॉय घोष और सिद्धार्थ आनंद साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर रिपोर्ट्स की माने तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर में शाहरुख खान भारी भरकम रकम लगा रहे हैं। प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो फिलहाल प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है। जानवी कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं। कम समय में एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में अपने आप को प्रूफ भी किया है। अब जानवी कपूर फिल्म उलझ लेकर आ रही हैं, जिसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। जानवी कपूर ने बीते साल उलझ की शूटिंग की अपडेट दी थी। फिल्म के रैपअप पर उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया था। तो वहीं अब फिल्म रिलीज के करीब पहुंच गई है। इस बीच टीजर भी सामने आ गया है जिसमें जानवी कपूर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है। फिल्म की कहानी देशभक्ति पर है जो एक यंग डिप्लोमेट सुहाना के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में सुहाना देश और अपने खिलाफ हो रही साजिश के बीच उलझती हुई नजर आएंगी। उलझ का टीजर सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हुआ है और ये फिल्म सिनेमाघरों में 5 जुलाई को रिलीज होगी। सपनों को सच में बदलने के लिए एक बार फिर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति लौट रहा है। अमिताभ बच्चन अपनी हॉट सीट लेकर जल्द टीवी पर वापसी करने वाले हैं। खबरों की माने तो मेकर्स की तरफ से कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 की ऑफिशियल घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन डेट से भी पर्दा उठ चुका है। कौन बनेगा करोड़पति के प्रोडक्शन हाउस सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर पिछले सीजन से अमिताभ बच्चन का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो आखिरी एपिसोड में दर्शकों से अलविदा लेते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान बिग बी बेहद इमोशनल नजर आ रहे थे। साथ ही कैप्शन लिखा, ऐसा मिला प्यार कि लौट रहा है फिर एक बार कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति के वीडियो के साथ ही शो में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन डेट की जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया है कि 26 अप्रैल 2024 रात 9 बजे से कौन बनेगा करोड़पति 16 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। वहीं अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रोल का फैंस को लंबे समय से इंतजार है। ये इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था, जिसमें तेलुगु सुपरस्टार ने अपने साड़ी वाले लुक में एक्शन करके सभी को हैरान कर दिया था। अब खबरें आई हैं कि पुष्पा 2 के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स को 275 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुष्पा 2 द रोल के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स को 275 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर बेचे गए हैं, जिसे 300 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ये सभी भाषाओं के लिए एक रिकॉर्ड डील है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये डील बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के आधार पर बदला भी जा सकता है। वैसे इस फिल्म के साथ अल्लू अर्जुन एक बार फिर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये न्यूज जो आपसे बिजी शेड्यूल के कारण छूट गई थी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।